मेरे चैनल जैन पाकशाला पाठशाला सरला के साथ में आपका स्वागत है। आइए आज हम बनाने जा रहे हैं पाइनएप्पल लस्सी। जी हाँ, अपने बहुत तरह की लस्सियाँ पी होगी, लेकिन आज हम बनाने जा रहे हैं सिर्फ पाइनएप्पल के साथ, जो कि उसके बहुत टेस्टी और बहुत ही शानदार लगती है और जो बनाने में भी बहुत आसान है। देखने में लगता है कि यार मुश्किल होगा, लेकिन बहुत आसान प्रोसेस है। बस एक आध छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी, वरना बहुत बनाने में आसान है। लोग क्या गलती कर देते हैं, उनकी लस्सी का स्वाद बिगड़ जाता है, लेकिन इस तरह आप बनाएंगे ना तो लस्सी कभी ख़राब नहीं होगी और हमेशा डेलीशियस और बढ़िया बनेगी। चलिए शुरू करते हैं पाइनएप्पल की लस्सी। इसके लिए हमें सबसे पहले पाइनएप्पल तैयार करना है। तो हमने क्या किया कि एक कटोरी पाइनएप्पल लिया, एक कटोरी हमने शक्कर लिया है। अब हम गैस ऑन करते हैं, उसमें हमने ये शक्कर डाली और साथ में मैंने करीब उतना ही पानी डाल दिया है। एक कटोरी शक्कर डाली है तो एक कटोरी पानी डाला है और मैं सोच रही हूँ मुझे थोड़ा सा और, यानी मैंने सवा कटोरी करीब पानी डाल दिया है। अब हमें इस शक्कर को पिघलाना है, शक्कर हमारी गल जाएगी। चलिए, शक्कर गलती रहेगी ना तब तक हम इसमें पाइनएप्पल भी ऐड कर देते हैं। ये हमारा जो पाइनएप्पल के मैंने टुकड़े कर रखे हैं, ये एक कटोरी पाइनएप्पल है, ये जो है वो मैंने इसमें डाल दिया। ये शक्कर भी गलती रहेगी, पाइनएप्पल इसके साथ साथ पकता रहेगा और पाइनएप्पल अपना पानी छोड़ेगा और ये चाशनी सा बन जाएगा और इसमें हमारा पाइनएप्पल पकने लगेगा। बस इसी तरह हमें पका लेना है और ये बस इसको एक उबाल आ जाए, शक्कर गल जाए, उसके बाद मुश्किल से 3-4 मिनट हमें और पकाना है। बस इतना कि पाइनएप्पल का रंग थोड़ा सा बदल जाए, ये जो एकदम इसका सही रंग आ रहा है ना वो नहीं, इसमें हल्का सा ग्लेज आ जाए और थोड़ा सा रंग ट्रांसपेरेंट सा हो जाए, पीला सा हो जाए। बस उतना ही हमें पकाना, हमें बहुत ज़्यादा इसे पकाना नहीं है। इसकी थोड़ी सी खटास इस चाशनी में आ जाए और शक्कर की थोड़ी सी मिठास इसमें आ जाए। और हाँ, आपको पता है ये क्यों किया जाता है ये प्रोसेस? हम कुछ भी बनाएं, चाहे हम पाइनएप्पल की लस्सी बनाएं, चाहे हम पाइनएप्पल का शेक बनाएं या रायता बनाएं, उसका पुलाव बनाएं, मिठाई बनाएं, कुछ भी बनाएं, हम पाइनएप्पल को इस तरह ग्लेज क्यों करते हैं? वो इसलिए किया जाता है कि अगर इस तरह नहीं करेंगे और सीधा डालेंगे तो बनाते वक्त तो कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन बाद में वो कड़वा हो जाता है थोड़ी सी देर बाद। क्यों? कि दूध और दही के साथ पाइनएप्पल थोड़ी देर में रिएक्ट करता है और उसका स्वाद कड़वापन में आ जाता है, इसलिए इसे करना बहुत ज़रूरी है। स्टेप एक ऐसा है ना जो कि पाइनएप्पल की कोई भी चीज़ बनाओ आपको पहले कर लेना चाहिए, स्पेशली वो जिसमें कि आपने दूध या दही का इस्तेमाल किया है। अगर दूध दही इस्तेमाल नहीं करते तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं, आप फ्रेश पाइनएप्पल ले सकते हैं। और ये चीज़ बाज़ार में भी मिलती है केन में, ऐसे टुकड़े वाले भी केन में मिलते हैं और स्लाइसेस गोल गोल वाले भी केन में मिलते हैं, आप वो भी ला सकते हैं। लेकिन जब फ्रेश पाइनएप्पल को ला के हम घर में तैयार तुरंत बना के जो बनाते हैं उसका मज़ा ही कुछ और है, उसका टेस्ट भी कुछ और होता है, इसलिए हम इसे घर में कर रहे हैं। और कोई मुश्किल प्रोसेस तो है नहीं, खाली शक्कर पानी और पाइनएप्पल डाला है और तैयार। ये देखिए इसकी चाशनी, ये गल गया है, पाइनएप्पल ने भी अपना पानी छोड़ा, तो देखिए थोड़ा सा ये पतला हुआ है, ये थोड़ा सा गाढ़ा होगा ना उतनी देर में हमारा पाइनएप्पल भी पककर तैयार हो जाएगा। ये 7-8 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट से ज़्यादा इसका प्रोसेस नहीं है। बस होता है कि इसकी बनने के बाद इसमें ठंडे होने का इंतज़ार करना पड़ता है कि जब ठंडा हो जाए तभी हमारा तैयार हो जाता है। बस इसको हम थोड़ा सा सिम कर देते हैं ताकि ये धीमी आंच पे अच्छे से हो जाए। ये हमारा पाइनएप्पल तैयार हो गया, देखिए इसके ये चंक्स है ना, कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, ट्रांसपेरेंट से हो गए और ये हमारा तैयार है। अब हम इसे, और देखिए चाशनी भी इसकी थोड़ी सी सही हो गई, ये देखिए चिपचिपापन आ गया इसमें चाशनी में, ये एक मिनट, ये चाशनी में ये देखिए चिपचिपापन आ रहा है, ये
बस ये हमारी चाशनी तैयार होगी। हमें इसे तार नहीं बनाना है, खाली इसे चिपचिपी सी बनानी है। और अब इसे हम बंद कर देते हैं, इसे ठंडा होने देते हैं। ये ठंडा हो जाएगा तब हम फिर आगे का काम करेंगे। ये देखिए हमारा पाइनएप्पल तैयार हो गया है। अब हम देखते हैं कि हम इसमें पाइनएप्पल के अलावा और क्या क्या चाहिए। पाइनएप्पल के साथ हमें चाहिए 1.5 कटोरी दही, अच्छा जिसका हमने पानी निकाल के बिल्कुल फ्रेश दही है ताज़ा, और 1/4 कटोरी मैंने लिया है दूध। इससे ना बनेगा हमारी 2 गिलास लस्सी। और इसके लिए हम चाहिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिक्सी के जार में हम ये पाइनएप्पल डाल देंगे। ये पाइनएप्पल डाल देंगे और साथ में डालेंगे ये दही। ये दही हमने डाला और साथ में हम डाल देंगे ये दूध। ये चारों ही चीज़ें हमने, तीनों चीज़ें हमने मिक्स कर ली हैं और इसे हम मिक्सी में ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए हम करते हैं, ये हमने डाला, ये हम ये अच्छे से हो गया है। मजे की बात ये कि इस लस्सी में हमें बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलाना है। अगर आपको मिठास अगर लगता है कि कम है तो यही पाइनएप्पल का हम सिरप डाल सकते हैं। ये सिरप है ना, वो आप डाल लीजिए मिठास के लिए, ताकि फ्लेवर पूरा रहेगा। ये तो सादी शक्कर डालेंगे ना तो इसकी फ्लेवर कम पड़ जाएगी, जो हम नहीं चाहते हैं। बस ये हमारा तैयार हो गया ब्लेंड होके। ये देखिए कितना अच्छे से ब्लेंड हो गया, कितना सुंदर कलर आ गया है। बस अब मिक्सी को हम हटा देते हैं और ये ग्लास इसमें बस इसे पोर करना है। ये हमारी शानदार इतनी झागदार बढ़िया सी लस्सी तैयार हो गई है। बस अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसे बस आप इस तरह सर्व कर दीजिए और चाहे तो ऊपर से पाइनएप्पल का एक ये चंग यहाँ डाल दीजिए। बस ये हमारी पाइनएप्पल की शानदार लस्सी तैयार है। ये पाइनएप्पल लस्सी तैयार है। बस इसे हम ये पाइनएप्पल के एक स्लाइस से हम इस तरह गार्निश कर देंगे। बस रेडी सर्व होने के लिए। इतनी गाढ़ी क्रीमी और मस्त लस्सी आप जब चाहे बनाएं, जब चाहे पिए। बनाने में आसान, टेस्टी। और हाँ, अगर आप इसे गर्मियों में बना रहे हैं, मैं तो अभी सर्दियों का मौसम है, ठंडक बढ़ गई है, तो मैं इसे यूं ही बना रही हूँ। अगर आप गर्मी में बनाते हैं तो इसमें जब ब्लेंड करते हैं इसमें आइस क्यूब, 2-3 आइस क्यूब डाल दीजिए, उससे तो और भी चिल और बढ़िया बनेगी। लेकिन हाँ, उससे एक चीज़ फ़र्क और पड़ेगा जो मैं आपको बता देती हूँ कि ये फूलेगी और ज़्यादा और ज़्यादा बढ़िया बनने वाली है। और यूँ तो ये शानदार है ही। चलिए आप बनाइए और एंजॉय कीजिए हर मौसम के लिए पाइनएप्पल लस्सी। और मेरा चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी नई रेसिपीज़ आप तक फटाफट पहुँचे, उसके नोटिफिकेशन आप तक आ जाएँ।